हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और उसके फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में, जो कि कब आने वाली है, उसका डेट क्या है और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो जैसा कि आपको बता दें कि जो नीट की काउंसलिंग थी फर्स्ट राउंड की, वो 24 जून को ख़त्म हो चुकी है और इसका जो पेमेंट है वो यहाँ पे, जैसे कि फुल आर्टिकल में अगर पढ़ूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एमसीसी विल कंक्लूड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर नीट यूजी काउंसलिंग एट 5 PM June 24, 2019। ठीक है, तो 24 जून को 5 बजे नीट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड ख़त्म हो चुका है। पेमेंट फैसिलिटी 2 बजे 25 जून को, मतलब 2 बजे तक है, टिल 2 PM ऑन 25 जून तक है। उसके बाद में द प्रोसेस फॉर चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है और लॉकिंग का, वो 10 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 25 जून। ठीक है, फिर द प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो प्रोसेस है वो 26 जून को किया जाएगा, यानी कि 26 जून को उसका प्रोसेसिंग है, यानी कि कल। एंड 27 जून को जो फाइनल काउंसलिंग की जो लिस्ट है, द रिज़ल्ट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी रिलीज ऑन June 27, 2019। ठीक है, तो 27 जून को इसकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है, यानी कि किसको कौन सा कॉलेज में कौन सा कोर्स मिला है, इस चीज़ का जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो June 27 को अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद में जो अगली डिटेल है कि स्टूडेंट हु आर अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड हैव टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन बिटवीन June 28 and June 3। ठीक है, तो 3 जुलाई और 28 जून के बीच में जिन्हें जो इंस्टीट्यूट अलाट हुआ है जिस भी कोर्स में, वहाँ पे जाके मतलब अपना अटेंडेंस देना होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा अपनी एडमिशन के लिए, और अगर उसमें आप फेल होते हैं तो फिर आपको वो सीट निकल जाएगी। ठीक है, वो सेकंड राउंड में चली जाएगी, किसी और को मिलेगी। फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ नीट काउंसलिंग, एमसीसी विल बिगिन द प्रोसेस फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑन July 6। इसीलिए 28 जून और से लेके 3 जुलाई के बीच में ये जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एडमिशन्स होंगे, और फिर उसके 2-3 दिन के बाद, यानी कि 6 जुलाई से फिर से सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसे लगता हो कि उसे मतलब जो कॉलेज या जो कोर्स उसे चाहिए था वो नहीं मिल पाया फर्स्ट राउंड में, तो वो मतलब सेकंड राउंड काउंसलिंग में जा सकता है, हो सकता है वहाँ पे उसे मिल जाए। ठीक है, जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, प्रोसेस वही होगा, सीट अलॉटमेंट और बाकी की चीज़ें जो होती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।